जनता मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े उस समय पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जब थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस गांधीनगर पुलिस चौकी क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तभी हाईवे की ओर से आ रहे एक स्कूटी सवार को पुलिस ने रोकना चाहा तो स्कूटी सवार ने तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी है और NH 58 से मखियाली की ओर जा रहे रास्ते की ओर भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा करते हुए बदमाश पर फायरिंग की तो बदमाश घायल होकर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को कब्जे में लेकर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। हिस्ट्रिस्टर लुकमान उर्फ लुक्का के रूप में घायल बदमाश की पहचान हुई है। जनता मुजफ्फरनगर में शुक्रवार की दोपहर पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब हाईवे पर चेकिंग कर रही थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस की टीम पर एक स्कूटी सवार ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ है, क्या है मामला? एक व्यक्ति स्कूटी से आता हुआ दिखाई दिया, उसको चलने के लिए रोका गया, उस व्यक्ति द्वारा अपनी स्कूटी नहीं रोकी गई और चौकी के पहले से जो बाईपास गया उस तरफ उसके द्वारा अपनी स्कूटी बहुत तेज़ी से भगाई गई। पुलिस बल द्वारा संदिग्ध समझ करके उसका पीछा किया गया, आगे उसकी स्कूटी स्लिप कर दी। स्कूटी स्लिप करते ही उसके द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग जो हमारे जवान थे उनके द्वारा भी की गई, जिसमें उस व्यक्ति के दोनों पैरों में गोली लगी। पहचान करने पर उस व्यक्ति का नाम जो है लुकमान उर्फ लुक्का, पिता का नाम जमशेद, निवासी भनवाड़ा थाना रतनपुरी ज्ञात हुआ है। पूछताछ में यह बात भी प्रकाश में अब तक आई है कि उसके खिलाफ जो है लूट और चोरी के लगभग 23 मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। वह घायल व्यक्ति जो बदमाश है वो थाना रतनपुरी का हिस्ट्री सीटर भी है, उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। उसके पास से एक तमंचा 32 बोर का, 2 खोखा कारतूस और 2-3 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी बरामद है। साथ में कोई साथी भी था? नहीं, उसके साथ अभी कोई साथी। कोई इनाम वगैरह है सर इसका? हमारे थाने से कोई इनाम नहीं, अन्य थानों से पता किया जा रहा है कि उसके ऊपर कोई इनाम लिया नहीं।